हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर, साथ ही प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर दोस्तों जैक ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अपडेट इस प्रकार है, बताया जा रहा है कि पहले जो है मैट्रिक इंटर की बोर्ड की परीक्षा होगी और प्री बोर्ड की परीक्षा जो है बाद में लिया जाएगा। दोस्तों ऐसा लगता है कि जैक बोर्ड जो है पूरी तरह से बौखला चुकी है। जैक बोर्ड कभी क्या कुछ अपडेट देती है उसे भी कुछ पता नहीं चल पाता है। जैक बोर्ड लगता है पूरी से भांग खाकर जो है इस प्रकार से अपडेट देती है, कभी क्या बोलता है, जिसके कारण से बच्चे जो है काफी ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। दोस्तों अगर मान के चलिए कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा अगर पहले ले लिया जाता है और प्री बोर्ड की परीक्षा बाद में होती है, तो प्री बोर्ड की परीक्षा बाद में लेने का क्या तात्पर्य होगा, इसका क्या मायने हो सकता है। दोस्तों आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड ने आपकी फाइनल बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न को अचानक जो बदला, उसके बाद से जो है ये काफी बड़ी जो है बच्चों में और टीचर में भी असमंजसता बनी हुई है कि अब आखिर जैक बोर्ड क्या करने वाली है। दोस्तों आप यहां पे देखिए, बताया गया है अजब गजब। तो देखिए लिखा है कि जेसीईआरटी ने जो है 19 से लेकर 23 फरवरी तक प्री बोर्ड परीक्षा लेने का ये निर्देश दिया था, फिर बाद में जैक ने जो है इसे निष्कासित कर दिया, इसे जो है नकार दिया था, मना कर दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 फरवरी से आप लोगों की मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं होनी है और इसको लेकर आप लोगों का रूटीन भी जारी कर दिया गया है। बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म जमा करने के बाद जो है स्कूल आना जो है विद्यार्थी जो है छोड़ देते हैं, वो अपने से जो है सेल्फ स्टडी करके जो है अपना जितने भी पढ़ाई किया है, जितने भी तैयारी किया है, वो अपने से रिवीजन करते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो अपडेट आया है ना, इसको जानने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आप मन ही मन जो है मुस्काएंगे और सोचेंगे कि क्या जैक बोर्ड ये क्या कर रही है, क्या भांग खाकर इस प्रकार से अपडेट जारी करती है। अगर पहले फाइनल बोर्ड एग्जाम्स ले लिया जाता है और बाद में प्री बोर्ड की परीक्षा लेती है, तो प्री बोर्ड की परीक्षा लेने का क्या तात्पर्य होगा, उसका मायने क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, आप लाइन बाय लाइन समझे तो यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि देश भर में जो है मैट्रिक और इंटर यानी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा से पहले जो है प्री बोर्ड की परीक्षा ली जाती है, पर झारखंड में जो है वर्ष 2024 के लिए प्रस्तावित परीक्षा में पहले बोर्ड की परीक्षा होगी, इसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। प्री बोर्ड की परीक्षा के दौरान मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चल रही होगी, ऐसे में प्री बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं इस पर संशय है। यानी दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा जो है ट्विस्ट यहाँ पे जैक ने दिया कि अब आप लोगों का मान के चलिए फाइनल बोर्ड एग्जाम्स ले लिया जाता है, तो अब दोस्तों आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है, अब ये प्री बोर्ड एग्जाम जो है ठीक है प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो होगी या नहीं होगी, ये भी अब संशय बना हुआ है। अब इस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले बोर्ड एग्जाम्स कैसे ले लिया जाएगा, प्री बोर्ड एग्जाम पहले होता है फिर बाद में क्यों लेगी। तो देखिए आगे बच्चों ये क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए लिखा है कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है, जबकि प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि जेसीईआरटी द्वारा जारी की गई है। जेसीईआरटी द्वारा जो है प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित करने के पूर्व इस बात की जानकारी नहीं ली गई कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा कब होगी। राज्य में जो है फरवरी में द्वितीय सप्ताह से जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि 6 फरवरी से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। अगर इसी बीच आप लोगों का प्री बोर्ड भी परीक्षा ली जाती है तो यह भी संभव नहीं है, यह उचित नहीं होगा। और इसके बाद दोस्तों अगर प्री बोर्ड की परीक्षा होती है तो वह भी उचित नहीं होगा। तो अब यहां पर संशय बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है, खुद जैक बोर्ड भी कंफ्यूज हो गए हैं, वो जो है बौखला चुके हैं कि अब प्री बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी, यह अब बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, संशय बना हुआ है। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि वर्ष 2024 की परीक्षा 6 फरवरी से प्रस्तावित है, परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी, जबकि जेसीईआरटी द्वारा जिलों को इस वर्ष 24 जुलाई को विद्यालय स्तर पर होने वाली परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी भेज दिया गया था, जिसमें विद्यालय में जो है कक्षा 12वीं तक की होने वाली साप्ताहिक जांच परीक्षा के साथ साथ प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई थी। आप लोगों को पता हो दोस्तों कि ऐसे वन ठीक है आपका ऐसे वन एग्जाम जो था वो आपका 20 से जो है 20 दिसंबर से आप लोगों का शुरू होने वाला था। इसको लेकर जैक ने अर्थात जेसीईआरटी ने एक निर्देश जारी किया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और आगे बच्चों लिखा है कि मैट्रिक और इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा 19 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक जो है प्रस्तावित है, ये पहले जो है जेसीईआरटी ने जो है निर्देश दिया था और ये जो है इस निर्देश को जैक बोर्ड ने पहले ही नकार दिया है, मना कर दिया है कि जब बोर्ड एग्जाम्स होगी और उसी बीच प्री बोर्ड एग्जाम्स लिया जाएगा तो ये
चीज उचित नहीं होगा। लेकिन आज जो है जैक ने जो अपडेट जारी किया है, इसको जाने के बाद लगता है दोस्तों कि जैक जो है पूरी तरह से बौखला चुकी है। ये बच्चों के भविष्य के साथ जो है पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है, बच्चों को काफी ज्यादा जो है प्रताड़ित कर रही है, मेंटलिटी रूप से जो है उसको काफी ज्यादा जो है प्रताड़ित कर रही है। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि जबकि जैक द्वारा जो है इसको लेकर प्रोग्राम भी जारी कर दिया है, रूटीन भी जारी कर दिया है कि 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा जो है प्रस्तावित है। ऐसे में वर्ष 2024 में मैट्रिक इंटर की परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी, अब इसको लेकर जो है काफी बड़ा जो है कंफ्यूजन बना हुआ है, खुद जैक बोर्ड जो है कंफ्यूज है। देखिए आगे लिखा है कि जमा हो रहा है मैट्रिक इंटर का परीक्षा फॉर्म, राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा लिया जा रहा है। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वही मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए दोस्तों आप लोगों का जो फी है वो भी निर्धारित किया गया है और अंतिम तिथि जो है 9 दिसंबर तक है, ठीक है, कि जो है दो दिन बाद जो है आप लोगों का, यानी कल तक ही जो दोस्तों आपका 9 दिसंबर होगी और कल तक ही आप लोगों का जो है बिना विलंब शुल्क के साथ, जी हां बिना विलंब शुल्क के साथ जो है आपकी परीक्षा लिए जाएंगे, परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। आगे बच्चों आप देखिए लिखा है कि जबकि इंटर की परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ जो है 12 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ जो है 20 दिसंबर तक जो है आवेदन जमा कर सकेंगे। और बच्चों आपको पता होगा कि पहले जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुआ करता था, ठीक है, जो आप लोगों का पहले जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ करता था दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 दिसंबर से लेकर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों की पहली जो है प्री बोर्ड की परीक्षा होती थी और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से लिया जाता था, जो कि यहां पे संकलन दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि राज्य में जो है कोविड के पहले और कोविड तक में जो है मैट्रिक इंटर की परीक्षा जो है फरवरी में होती थी और प्री बोर्ड की परीक्षा दिसंबर के अंत तक जो है शुरू हो जाता था, जो कि 15 जनवरी तक में जो है पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाता था और इसका अंक जो है जैक को भी भेज दिया जाता था, ठीक है। और आगे लिखे दोस्तों लिखा है कि जबकि परीक्षा की तिथि को लेकर जो है पैटर्न सब कोविड के पूर्व जो है अनुरूप की जा रही है, तो वही प्री बोर्ड की परीक्षा फरवरी में लेने का निर्देश दिया गया है। अगर मान के चलिए दोस्तों आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कभी कभी आप लोगों को आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे और खुद हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो जैक बोर्ड भी कंफ्यूज हो रही है। पहले कभी कहता है कि सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है वही हम पैटर्न को अपनाएंगे, फिर कहता है कि नहीं हम दूसरा पैटर्न को अपनाएंगे। आखिर जैक बोर्ड क्या कर रही है, क्या जैक बोर्ड जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है मजाक कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो है पूरा बच्चों के भविष्य का टिका हुआ है और जैक बोर्ड ही खुद इस प्रकार से निर्णय लेती है कि हम पहले बोर्ड एग्जाम से लेंगे फिर बाद में प्री बोर्ड एग्जाम से लेंगे। तो अब मान के चलिए दोस्तों अगर इस तरह से चलता रहा तो मान के चलिए आप लोगों के भविष्य पर क्या असर हो सकता है।